तो दोस्तों वहाँ का स्वागत है डिश टेक्निकल पर में दोस्तों। तो आज का हमारा एपिसोड है एपिसोड नंबर 12 दोस्तों। हम खेल रहे हैं पोकेमोन एश इनोवा रीजन। तो पिछले ही एपिसोड में हम जा रहे थे अपने 5th बैच के लिए ताकि हम कर सकें मी के डैड के साथ बैटल। तो इसीलिए हमने एक शॉर्टकट लेने का डिसाइड किया। जब हमने शॉर्टकट लेने की कोशिश की तो हमें रास्ते में मिला एक वाइल्ड टोरकुल जिसे कुछ पोकेमोन बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। उन पोकेमोन का एक लीडर था जिसका नाम था स्टीलिक्स। हमने स्टीलिक्स के साथ बैटल की और टोरकुल को बचा लिया। अब टोरकुल हमारे टीम में आ चुका है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। सब मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों पीछे मैंने पूछा था कि ये कौन सा पोकेमोन है, तो दोस्तों ये है क्यूबॉन। सबसे पहले आंसर दिया है इस जिंदर ने, फिर दिया है प्रीडेटर एस ने, फिर दिया है जीएस लेजेंड गेमर ने, और उसके बाद दिया है रेनू ने, फिर दिया है डीएक्स किंग ने दोस्तों। तो यही वो डी पोकेमोन हार्ड फैन थे जिन्होंने जवाब दे दोस्तों। अगर आप डी पोकेमोन हार्ड फैन तभी आप जवाब दे पा, क्वेश्चन गुजर स्ट्रीम पे आने वाला है। तो अब चलते हैं, आज है मे का कॉन्सर्ट तो आई थिंक हमें चलना चाहिए इसके अंदर और मे को चेयरअप करना चाहिए उसके नेक्स्ट कॉन्सर्ट के लिए। और आई थिंक ये कॉन्सर्ट मे जीत जाएगी मे बी, बाकी देख लेते हैं। ओके तो कॉन्सर्ट अब शुरू हो चुका है, सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, मैं तो ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पता नहीं मे जीतेगी कि ये नहीं जीतेगी। तो ये फर्स्ट बैटल स्टार्ट हो चुका है, तो किसके बीच में है ये बैटल। तो चार कैंडिडेट्स चुने गए हैं। ओके किस ओ मे के 24.9 पॉइंट्स बने हैं अभी। तो मे और पहला बैटल शुरू हो चुका है, तो मे अपनी स्किड के साथ जीत चुकी है और मे सेकंड बैटल के लिए जा चुकी है। तो फाइनल राउंड है मे वर्सेस फैंटम में और देखते हैं कौन जीतता है, कौन जीतता है भाई साहब। तो मे जीत चुकी है अपनी स्किडी के साथ। ओके बहुत अच्छा हुआ यार, मे जीत गई अपना रिबन। अब चलते हैं हम भी अपने नेक्स्ट मैच की और देखते हैं कहाँ पे है वो शॉर्टकट। आई थिंक मैंने वहाँ पीछे टनल देखा था यहाँ पे, तो उसकी तरफ चलते हैं और टनल की तरफ जाके देख लेते हैं एक बार। बाकी मैं एक बार इस घर को चेक करना चाहता हूँ, शायद कुछ मिल जाए हमें। ओके तो ज़्यादा कुछ खास नहीं मिला है मुझे यहाँ से, मतलब कुछ बताया है उसने यार, कुछ खास पता नहीं लगा मुझे। बाकी चलते हैं इसके ऊपर और आई थिंक ये शॉर्टकट हो सकता है रस्ट बोर्ड टनल की तरफ। आई थिंक रस्ट बोर्ड शहर यहाँ से आगे मिल ही जाएगा मे बी, हाँ तो देखते हैं बाकी। तो ये हो सकता है शायद शॉर्टकट पेटल बक्स सीट तक का जाने का, पर यहाँ पे एक पोकेमोन आ रहा है, कौन है वो, विस्मूथ। ओके एक मिनट, वो ट्रिको वाला सीन लगता इसके ऐश के टाइम से पहले आता ना, ऐश के टाइम बोल दिया मतलब फिफ्थ बैच से पहले आता, और आई थिंक ट्रिको वाला करना सही है बिल्कुल। मे बी अब जल्दी ही ट्रिको एवॉल्व हो जाएगा अपना गोवाइल में। सेप्टल तो आई थिंक बैटल फ्रंट में होता है, तो अभी तो कोई चांस नहीं है इसका विकसित होने का। तो बैटल फ्रंट तो मेरे हिसाब से ऐश ने पोकेमोन लीग के बाद गया था मे बी, हाँ तो वो भी नहीं होगा ये। चलो चलते हैं आगे और देख लेते हैं नीचे की तरफ एक बार, और ये विस्मूर आ गया लगता है एक बार फिर से। ओके रन, तो हम आ चुके हैं बाहर, ये है रूट नंबर 116 और ट्रिको कुछ स्ट्रिंग्स एक्ट कर रहा है कोई, आई थिंक फिक्स तो होने वाला है क्या, तो इसका लाउडर। ओके तो फाइट होने वाली है और अब हमारा ट्रिको विकसित भी हो जाएगा गोवाइल में। तो लेट्स बिगिन विद द बैटल। ओके ट्रिको भी रेडी, तो देखते हैं पहला अटैक कौन सा करें हम, बुलेट सीट मे बी, देखते हैं बुलेट सीट करके देख लेंगे। तो ये आ चुका है लाउडर, ये है 15 का अपना, ट्रिको है 18 का, तो हम कर सकते हैं, हम शुरुआत करते हैं बुलेट सीट से। ओके लाउडर पूरा जाओ यार, कितना कम अटैक लग रहा है यार, मे बी इसे टाइम लगेगा मरने के लिए आई थिंक सो। ओ 4 हिट लग चुके हैं और देखते हैं इसको कौन सा अटैक है, पाउंड है, इतना कुछ खास अटैक नहीं है पाउंड, पर इसे हम हरा देंगे। ओके एक बार फिर से बुलेट से, एक बार फिर से भाई साहब, एक बार और बस, इसके बाद एक लास्ट है, लास्ट कर दे यार। ओ यार 4 टाइम ही हिट किया उसने। ओके इससे यार कुछ खास अटैक डैमेज नहीं बढ़ा हमें। ओके बुलेट सी ये लास्ट टाइप है और 1 हिट से पूरा जाएगा, और हमारा अब ट्रिको विकसित हो चुका है गोवाइल में। ओके 19 लेवल का हो चुका है ट्रिको, प्लेयर दोनों ही डिफीट, हमने प्लेयर को डिफीट कर दिया हुआ, ट्रिको एंड लाउडर एक ही टाइम पे इवॉल्व हो गया, मैं लिखा आ चुका है। तो ट्रिको अब मैं तुम्हें इवॉल्व होने से रुकूंगा नहीं, हो जाओ इवॉल्व कोई बात नहीं, ट्रिको इज इवॉल्विंग भाई साहब, जल्दी आ सेप्टाइल, और सेप्टाइल कह दिया गोवाइल, आ जाओ गोवाइल जल्दी आ जाओ।
भाई साहब जल्दी 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 ओके गोवाइल आ चुका है हमारी टीम में। तो फाइनल ट्रिको विकसित हो चुका है गोवाइल में, अब हम आराम से उसको हरा देंगे। तो देखते हैं ओके, तो आ चुका है फ्यूरी कटर जो हमें नहीं सिखाना है, बेकार अटैक है फ्यूरी कटर, मुझे पसंद नहीं। बक टाइप अटैक है ना, मे बी, हाँ शायद मे बी बक टाइप अटैक है ये। ओके तो ट्रिको और जो वो था लाउडर वो दोनों एक टाइम पे विकसित हुए थे, तो बैटल दोबारा होगा। इसके बाद अब एक्सपा लाउडर होगा ना, वो 15 का ही होगा, 16 का हो चुका होगा। ओके 16 का हो चुका है एक्सपा लाउडर, ओ इतना बड़ा मुंह भाई। ओके तो हम करते हैं क्विक अटैक, अरे इतना कम डैमेज भाई साहब, बस ये अपर ओवर ना करें, वो ज़्यादा खतरनाक अटैक हो जाएगा हमारे लिए। बुलेट सी से मार देंगे इसे, यू कैन डू दिस गो वाइल, तुम कर सकते हो भाई साहब, हो जा हो जा हो जा। कितनी हिट हुए, 4 हिट। ओके एक्सपल आउडर ने यूज़ किया है अपरोर, जिसका डर था मुझे, इसका डैमेज ज़्यादा बढ़ता है अपरोर का, अपरोर इज़ मेकिंग एन अपरोर। ओके आई थिंक हरा देंगे हम इसे आराम से, अबे 2 हिट बस, अबे यार 4 और कर देता अपरोर। ओके गया पूरा गया भाई साहब, चलो पोकेमॉन चेंज कर लेते हैं, उसमें क्या है भाई, हम लेके आते हैं पिकाचू, पिकाचू का थंडरबोल्ट काफ़ी होगा इसको पिलने के लिए, आराम से पिल जाएगा ये, इज़ मेकिंग एन अपरोर। ओके हम थंडरबोल्ट करते हैं, थंडर से हम रिस्क नहीं लेंगे, थंडरबोल्ट से ऐसे पूरा जाएगा ये। तो एक्सपो लाउडर पूरा गया और हमारा ट्रिको विकसित हो चुका हुआ है गोवाइल में, अब चलते हैं अपने बैच के लिए भाई। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया तुम्हारे साथ फाइट करके, ओके ब्रो चलते हैं यहाँ से, इट वॉज़ अ नाइस बैटल टू हैव। ओके वो जा चुका है यहाँ से, ओके यहाँ पे लगता है ये एक पोकेमॉन चेक करते हील है क्या अपने, हाँ गोवाइल तो हील है, यहाँ पे जाके देखते हैं, नहीं यार ये तो खिड़की ग्लिच लग रहा है कोई। ओके तो ये फाइट करने वाला है, आई थिंक रॉक टाइप पोकेमॉन होंगे ना इसके पास, कौन सा पोकेमॉन, जियो ड्यूड, बुलेट शूट काफ़ी होगा, ओ 1 हिट से गया। ओके अब चलते हैं आगे की तरफ, पहले मैं पोकेमॉन को इधर शिफ्ट कर दूँ और पिकाचू आगे कर देते हैं, गोवाइल पीछे करते हुए विकसित हो चुका है गोवाइल, बाकी कॉर्फिश में होना नहीं है, टोर्टल का कोई स्टेज होता नहीं है आगे, टेलो नहीं होना है मेरे हिसाब से, अब टेलो थोड़ा लेवल गेन करेंगे हम, और बाकी अगर इनसे बात करें, इन्होंने फाइट नहीं की तो मैं आता हूँ। ओके तो ये वहाँ से फाइट करेंगे, ये बग टाइप है तो पिकाचू संभाल लेगा आई थिंक, क्या होगा इसके पास, विंगल वंगल होगा कुछ, विंगल नहीं, वो विंगल तो वाटर पोकेमॉन होता ना। ओके थंडर बोल्ट की आयरन टेल स्लैम कर देते हैं, चलो छोड़ देते हैं, बच्चा है बेचारा 8 लेवल का तो है। ओके तो ये पूरा गया, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और मतलब अगली तरफ चल देखते हैं क्या है, अगला में से रस्ट बोर्ड सिटी होगा आगे, रस्ट बोर्ड सिटी से हम पार करके जाएंगे अगली सिटी की तरफ। ओ टेलो 7 लेवल का नहीं चाहिए हमारे पास है। ओके रूट नंबर 116 रस्ट बोर्ड, ओके ये कौन है, अरे यार फाइट टाइम, ओके डिटो थंडर अटैक मिस, ओके दोबारा थंडर कर देते हैं या पोकेमॉन चेंज कर लेते हैं, चलो ओके टोर्की गलती से निकाला, गलती से, अरे यार टोर्की कहाँ गया, टोर्कुल फ्लेम थ्रोवर, चलो ये तो गया। ओके यार मुझे पता था कॉडफिश ऐसे मर जाएगा, मैंने कॉडफिश में टोर्कुल अंदर फास्ट फास्ट में मैंने कॉडफिश निकाल दिया, और बस फिर स्कैम होगा आपको पता ही है यार, थंडर बोल सुपर इफेक्टिव, थंडर बोल नहीं मतलब थंडर किया सीधा यार, मेरा तो मिस थंडर रहते हैं, उसका थंडर मिस ही नहीं हुआ यार, गलत बात है ये। ओके हम आ चुके हैं पोकेमॉन सेंटर में, अब लिया जाए एचपी फुल, और मैं चलता हूँ इस सिटी की छोड़कर अगली सिटी की तरफ, पेटल बैग सिटी, जहाँ पे मे के डैड हमारा वेट करे होंगे 5th बैच के लिए, हमारे पास टोटल 5 बैचेस हो जाएंगे और पोकेमॉन लीग से हम दूर रह जाएंगे, सिर्फ 3 बैचेस हैं, उसको जीतने के बाद हम पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पोकेमॉन लीग बोलूँ कि हिनोवा रीजन लीग, वैसे हिनोवा रीजन लीग भी बोल सकते हैं, पर पोकेमॉन लीग दोनों एक ही बात हो गई एक तरह से। क्या यहाँ पे कॉन्सर्ट खुला है कि बंद है, कॉन्सर्ट अभी भी चेक कर लेते हैं एक बार, लगता है कॉन्सर्ट अभी भी बंद है, कॉन्सर्ट इज़ ओवर, नहीं। ओके तो हम आ चुके हैं पेटल वुड्स में, और आई थिंक हमें यहाँ से एक बार चलना चाहिए, अरे यार यहीं से तो हम आए थे, यहाँ पे ट्रिको मिला था, ट्रिको वापस छोड़ें, छोड़ तो गोवाइल हो चुका है, ट्रिको वापस क्यों छोड़ेंगे हम, फिर सेप्टाइल बनेगा, कितना बढ़िया लगता है भाई, सब रिपेल यूज़ कर लेते हैं, प्रोटेक्ट रहेंगे हम जरा पोकेमॉन से जो तंग करेंगे हमें, एक जंप क्या बात, ये दूसरी भाई, अब अगला देख लेते हैं आगे, यहाँ पे बंदा रास्ता,
ओके यहाँ से, और यहाँ से एग्जिट कहाँ है भाई? मे बी यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, और साथ में हमारे रिपल्स भी ख़त्म हो चुके हैं, सही टाइम पे हुए। ओके हमें मिला एक पोशन जो भी इतना काम तो नहीं आएगा हमारे। ओके तो चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। हम आ चुके हैं रूट नंबर 104, और ये यहाँ पे एक पोकेबॉल है, और यहाँ पे है HM05 रोर। ऐसे रोर अटैक से क्या फ़ायदा होगा, बस पोकेमॉन चेंज रहते हैं डर के मारे, फेयर हो जाता है पोकेमॉन को, ज़्यादा कुछ नहीं है रोर से। और अपना फिफ्थ बैच में आई थिंक उस लैकिंग होगा, तो उसको हराने के लिए टोरकुल भी काफ़ी होगा मे बी हमारा फिफ्थ बैच के लिए। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा सा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।